हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने 31st कन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, इसकी शायद महीनों से सारे स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे 31st कन्वोकेशन के लिए कि उसकी डेट कब अनाउंस होगी। तो उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि इग्नू ने 31st कन्वोकेशन की डेट अनाउंस कर दी है, उसकी रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गया। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैं आप लोग इस वीडियो में दूंगा कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन कन्वोकेशन अटेंड कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है और भी अदर्स डिटेल। तो आप लोग ध्यान से देखिए और कोई भी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग को इसकी अनाउंसमेंट मिलेगी कहाँ पे, इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे अलर्ट सेक्शन में मिलेगी। आप लोग डायरेक्ट उसका कन्वोकेशन सेक्शन में मत जाइएगा, नहीं तो वहां पे आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जाके उसके बाद कन्वोकेशन सेक्शन में अगर आप जाओगे तो वहां पे आप लोग को कोई भी डिटेल नहीं मिलने वाली। वहां पे पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड और ऐसा समथिंग एरर आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन का लिंक को फॉलो करना होगा। डिस्क्रिप्शन का लिंक को फॉलो करोगे आप तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31st कन्वोकेशन के इस पेज पे चले जाओगे, जो ये ऑफिशियल पेज है इग्नू के 31st कन्वोकेशन का रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कौन कौन एलिजिबल है। पहले मैं बता दूं आप लोगों को, कन्वोकेशन अगर किसी को नहीं पता है तो उसके बारे में मैं बता दूं कि देखिए, जब आप लोग इग्नू से कोई भी डिग्री कोर्स करते हैं, चाहे बैचलर्स डिग्री हो, चाहे मास्टर्स डिग्री हो, चाहे आप डिप्लोमा करते हैं या सर्टिफिकेट करते हैं, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, कंप्लीट करने के बाद आपके घर पे मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री आती है, ठीक है। याद रखिए, जो डिग्री आपके पास आती है वो प्रोविजनल डिग्री होती है, ओरिजिनल डिग्री नहीं होती है। ओरिजिनल डिग्री आपको कॉन्वोकेशन में मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आपको कॉन्वोकेशन अटेंड करना जरूरी है, या अगर नहीं भी कर सकते लेकिन मेरे हिसाब से कॉन्वोकेशन अटेंड जरूर करना चाहिए क्योंकि ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होती है, ये सबको हर बार नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप लोग कॉन्वोकेशन जरूर अटेंड करें, उसमें आप लोग को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा और ये लाइफ टाइम के लिए एक मोमेंट बन जाता है। इसलिए आप लोग कॉन्वोकेशन को अटेंड जरूर करें अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो। उम्मीद है कि आप लोग को कॉन्वोकेशन के बारे में तो समझ में आ गया होगा कि कॉन्वोकेशन क्या है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन एलिजिबल है इसमें। 31st कन्वोकेशन जो होने वाला है, इसका रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना होगा ऑनलाइन। उसकी लास्ट डेट है 30 जून, ठीक है। आज से 8 जून को स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट है 30 जून। यहां पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, देखिए, जो स्टूडेंट्स दिसंबर 2016 में और जून 2017 में अपना एग्जामिनेशन पास आउट किए हैं, चाहे वो बैचलर्स हो, मास्टर हो, डिप्लोमा हो या अदर कोई भी प्रोग्राम हो, तो वही इस कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। याद रखिए, जो दिसंबर 2017 में एग्जामिनेशन पास आउट हुए हैं वो इसमें कॉन्वोकेशन अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। एक साल पहले यानी कि दिसंबर 2016 और जून 2017 सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या अटेंड कर सकते हैं जो उस टाइम पे पास आउट हुए हैं। जो दिसंबर 2017 में किए हैं वो अटेंड नहीं कर सकते। जो अभी एग्जामिनेशन दे रहे हैं जून 2018 में, उनका नेक्स्ट ईयर होगा, और जो दिसंबर 2017 में पास आउट हुए हैं उनका भी नेक्स्ट ईयर होगा, यानी कि 32nd कन्वोकेशन में होगा, ठीक है। आप लोग इस बात का ध्यान रखें, तो वही लोग अप्लाई करेंगे। बाकी अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो वहां पे इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो करेगा, अगर किसी का मैं दिखाऊं तो, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपको अटेंड करने के लिए भी 600 रुपीज पे करना होगा, ऑनलाइन ही पे करना होगा और आपको रजिस्टर करना होगा। अब यहाँ पे एक और बात आ रही है कि सपोज अगर कोई दिल्ली नहीं जा पा रहा है और अटेंड नहीं कर पा रहा है तो उस सूरत में क्या होगा। देखिए, आप लोग को रजिस्ट्रेशन तो कर देना होगा, अगर आप बाई चांस अटेंड नहीं कर पाए तो कॉन्वोकेशन खत्म होने के बाद आपके घर पे बाई पोस्ट ओरिजिनल डिग्री आ जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। एक और ऑप्शन है आप लोगों के पास कि आप लोग अपना अपना रीजनल सेंटर में भी जाके अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो, ठीक है। क्योंकि देखिए, हर एक स्टेट में रीजनल सेंटर नहीं होती। सपोज अगर झारखंड के कोई स्टूडेंट्स हैं, जमशेदपुर के कोई स्टूडेंट हैं या देवघर के कोई स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों के लिए उनका रीजनल सेंटर कोलकाता में रहता है, ठीक है। तो वो चाहे तो कोलकाता आके रीजनल सेंटर में अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और अगर नहीं ले पाए तो आप फी पेमेंट कर दीजिए, आपको घर पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आपको मिल सकता है रीजनल सेंटर में, अगर नहीं जाओगे, अगर कन्वोकेशन अटेंड नहीं करोगे तब भी आपको घर पे आपके बाई पोस्ट आ जाएगा आपका ओरिजिनल डिग्री, ठीक है। और अगर इसके बारे में और कोई अगर क्वेरीज हो तो आप convocation-freequery@ignu.ac.in पे इंक्वायरी कर सकते हैं या मुझे भी मेल कर सकते हैं, मैं भी आप लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आप लोग को बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट डेट की कॉन्वोकेशन कब होगी वो इग्नू कुछ दिन बाद बताएगी, तो जैसे ही बताएगी मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इग्नू के रिलेटेड जो भी न्यूज आएगी तो मैं आप लोग को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए बस नीचे में आप लोग को यहाँ पे रेड कलर
कलर में शो हो रहा है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, उसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर सबमिट करोगे। अगर आप एलिजिबल हो गए, यानी कि अगर दिसंबर 2016 में आपने पूरा पास आउट अपना डिग्री कंप्लीट किया है या जून 2017 में कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे आप लोग को शो हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरे पास किसी का नहीं है जिसका मैं शो कर पाऊँ, तो मैं नेक्स्ट जब भी जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलती है तो मैं जल्द से जल्द आप लोग को बता दूंगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ तो मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर सबमिट करोगे, अपना फी पेमेंट करोगे, तो आप लोग कॉन्वोकेशन अटेंड कर सकते हो। कॉन्वोकेशन की डेट जल्दी अनाउंस हो जाएगी, उसके बाद से आप लोग दिल्ली में जाके या अपने अपने रीजनल सेंटर में जाके कॉन्वोकेशन अटेंड कर सकते हो और वहां से आपको ओरिजिनल डिग्री मिल जाएगी। तो यही था इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन, जस्ट मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना चाहता था 31st कॉन्वोकेशन के बारे में, कॉन्वोकेशन क्या है, कब होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी और सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता और कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके अलावा मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आप लोग को जल्द से जल्द कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, क्योंकि बहुत सारे मेल आते हैं, बहुत सारे कमेंट होते हैं, तो इसलिए मैं बहुत सारे मेल मिस हो जाते हैं, तो इसलिए आप लोग उसको दोबारा मेल कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द कोशिश करता हूं कि रिप्लाई कर दूं। तो यही सब था इस वीडियो में, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।